अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं महक और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन नगर्स, जो बहुत ही मजे के बनते हैं। तो जी देखिए, हम बना रहे हैं नगर्स। इसके लिए हमें चाहिए होगा क्रम्स, ये भी मैं आपको बहुत जल्द वीडियो में बनाना सिखा दूंगी कि ये कैसे बनते हैं। और 3 मैंने स्लाइसेस लिए हैं ब्रेड के, इसकी मैंने साइडें उतार दी हैं। सोया सॉस हमें चाहिए होगी 1 चम्मच। एक कटोरी मैंने चिकन ले ली है और ये नमक है 2 चुटकी। ये है लहसुन अदरक का पेस्ट छोटी 1 चम्मच। 2 चुटकी मोटी हमने ले ली काली मिर्ची। ये चिकन लेनी हमने बोनलेस लेनी चिकन। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, और ये देखिए हम मिक्सी में मिक्स कर देंगे सारा कुछ। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया हमने। 3 जो हमारी स्लाइसेस थी वो भी डाल दी हमने। चिकन बोनलेस हमने डाल दिए। 1 कटोरी थी जो हमारी छोटी 1 कटोरी। और दोस्तों चिकन को अच्छी तरह निचोड़ कर इसका पानी अच्छे से निकाल कर हाथों से दबा कर अच्छे से फिर डालिएगा। और ये हमारी काली मिर्ची चली गई 2 चुटकी मोटी इसके अंदर। पानी बिल्कुल भी चिकन के अंदर नहीं होना चाहिए हमारा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये देखिए हम इसे मिक्सी में मिक्स कर लेंगे। ये हमारा सोया सॉस डाल दें इसके अंदर 1 चम्मच। दोस्तों ये बहुत ही नगर्स मज़े के बनते हैं, बहुत ईजी वे से बनते हैं। ये देखिए हमने मिक्सी में मिक्स कर लिया, ऐसे हमने इसे बाहर निकालेंगे अच्छे से। और ये देखिए हमने 1 अंडा लिया है, 1 चुटकी नमक डाल देंगे इसके अंदर हम। और एक ही हमारा जो कटोरा बड़ा है वो ऑयल का है। ये देखिए मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। ये जो हमारी पेस्ट बनी है नगर्स की, इसे हम अच्छे से रोटी की तरह बना लेंगे। आप बेलन से बेल भी सकते हैं, पर ज़्यादा दबा कर ना कीजिएगा, या हाथों से दबा कर इसे हम वो रोटी सॉरी बना लेंगे इसे हम। अब देखिए क्या करना आगे। ये हमारा जो पेस्ट था नगर्स का उठा लिया। हल्का सा ऑयल लगाएंगे अपने हाथों में ताकि ये चिपके ना, और स्लेब पर भी लगा देंगे हल्का सा ऑयल। स्लेब हमारी बिल्कुल साफ है, इसी पर रोटी बनाते हैं। हर किसी का अपना भी होता है, किचन चलाने का तरीका होता है। मैं इसी तरह घर में करती हूँ क्योंकि हमारी स्लेब बिल्कुल साफ है। ये देखिए हाथों से मैं थपथपाकर हल्का हल्का सा, इसकी बारीक लेयर हमने नहीं करनी। दोस्तों लाजमी नहीं है कि आप स्क्वायर शेप में काटें जैसे मैं काटूंगी, किसी भी शेप में कर सकते हैं। स्क्वायर, ट्रायंगल, रोल शेप, जैसे भी आप चाहें वैसे बना सकते हैं। चीज़ तो हमारे नगर से जाहिर सी बात है। तो ये देखिए मैं स्क्वायर शेप में काटूंगी और 2-3 शेप में आज हम बनाएंगे। ये देखिए जैसे आपके बच्चों को अच्छा लगे, जैसा आपका मन करे वैसे आप बना सकते हैं। कोई भी शेप दे दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और अपने फ्रेंड्स में, फैमिली मेंबर्स में भी शेयर कीजिएगा, हम मुझे सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह और भी आगे मज़े की रेसिपीज हम बनाएंगे। दोस्तों ये देखिए मैंने स्क्वायर शेप में काट लिए और मैं कुछ हाथों से भी बनाऊंगी। आप कोई भी शेप बना सकते हैं, बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। हल्का साथ में ऑयल लेंगे और इसे हम कोई भी शेप दे देंगे। मैं नगर शेप दूंगी। मेरा कैमरा इस टाइम फोकस नहीं कर रहा, पर मैं आपको जब बनेंगे तब देखना, बहुत ही मजे के बनते हैं। ये देखिए दोस्तों अभी हम इसके अंदर अंडा लगाते जाएंगे, क्रम्स में मिक्स करते जाएंगे, और आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे क्रम्स हैं। ये देखिए अंडे में डिप किया हल्का सा। आप चाहे कांटा भी यूज कर सकते हैं जिससे आपको इजी वे लगे। मुझे हाथों से ज्यादा आसानी होती है तो मैं इसलिए हाथ ही यूज करती हूँ अपने, ज्यादा धोकर साबुन से अच्छी तरह। और ये देखिए क्रम्स लगाएंगे। दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं, जब हम क्रम्स लगाते हैं ना तो वो हल्की सी शेप उनकी खराब हो जाती है। तो आप जिससे मर्जी शेप बनाना चाहें तो दोबारा आप हाथों से बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों इसी तरह हम इसी वे में सब लगाते जाएंगे। अंडा लगाया, अंडे से निकाला, क्रम्स लगाए, हल्का सा ऊपर डाला, हल्का सा मिक्स किया हमने, हल्का हल्का दबदबाना है, ज़्यादा भी नहीं। ये देखिए दोस्तों बहुत ही मज़े के बनते हैं। इक्वल हमारे जो क्रम्स हैं वो लग जाएंगे उनके ऊपर। ध्यान से ये रेसिपी देखिएगा और ध्यान से इसे बनाइएगा। ये देखिए हमारे सारे नगर्स तैयार हो चुके हैं। ये देखिए
दो तीन शेप में मैंने बनाए हैं, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, राउंड में, स्क्वायर में, ट्रायंगल में, रोल शेप में, जिससे आपको अच्छा लगे, जिससे जिसमें आपके बेबीज खुश हो जाएं। ये देखिए हमने ऑयल डाल दिया इसके अंदर एक प्याला, हल्का से इसे हम गर्म करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये देखिए ऑयल जो हमारा है ज़्यादा गर्म ना हो, फ्लेम नॉर्मल ही होनी चाहिए इसकी, जो आग होती चूल्हे की। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और हम इसे एक एक करके नगस डालते जाएंगे, आँच हम नॉर्मल ही रखेंगे। ये देखिए दोस्तों एक एक करके सारे आप डालते जाएं, जितने आपकी कढ़ाई में पूरे आ जाएं, फ्राई पैन ले लें, जो भी आपका जो सामान है घर का जिसमें आप बनाना चाहें इजीली, उसमें आप बना सकते हैं। बस आँच हमारी नॉर्मल होनी चाहिए, खड़े होकर ध्यान से हम बनाएंगे इसे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा अच्छी लगे वीडियो हमारी। ये देखिए आँच नॉर्मली हो, मीडियम से कम ही रखना। ये देखिए हम डालते जाएंगे सारे, दोस्तों ये देखिए हमने सारे डाल दिए और हल्का हल्का चम्मच से दूर करते जाएंगे, चम्मच लाएंगे हल्का हल्का, थोड़ा वेट करना पड़ेगा जिसका लाइट ब्राउन कलर आएगा चेंज कर लेंगे। दोस्तों ये देखिए हमारा कलर चेंज होने लग गया है, हम इसका जो साइड है वो चेंज करते जाएंगे, पलटते जाएंगे इसे हम, बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है अभी से ही। दोस्तों ये देखिए हमारा कलर आ गया इस पर, थोड़ा सा कलर इसमें आने का थोड़ा वेट करेंगे हम। ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा कलर इसका आ गया है, ये देखिए मैं निकालती जा रही हूँ जो कर गए हैं। और दोस्तों आपने अगर ज़्यादा बनाना अच्छा लगे या ज़्यादा बनाना चाहें तो आप इसी रेसिपी को डबल कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी फैमिली छोटी है तो मैं इसलिए अपने हिसाब से बनाती हूँ। आपकी फैमिली बड़ी है या आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो अपनी पसंद से और भी ज़्यादा बना सकते हैं, रेसिपी डबल कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं इसमें। ये देखिए दोस्तों डिश आउट किया, ये हमारे नगर तैयार हो गए हैं और साथ मैंने टी बना ली है। ये देखिए बहुत ही मज़े के बने हैं, ऊपर से क्रंची हैं और अंदर से बहुत ही मज़े के हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए लंच टाइम है तो बहुत ही मज़ा देगा, अगर आपके बच्चे स्कूल में टिफ़िन में लेकर जाएं तो बहुत बेहतरीन चीज़ है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़। Thank you.